मैं एडवोकेट किशन भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से। साथियों 1 जून 2024 शाम को 5 बजे जब 7वां चरण कंप्लीट हुआ तो हमने देखे कि पूरे इंडिया के टीवी चैनलों में एग्जिट पोल आना शुरू हो गए। सब अपने अपने तरीके से एग्जिट पोल कर रहे थे। मैंने 9 तरह के एग्जिट पोलों को देखा और अपना भी एनालिसिस किया तो इस संशय पर पहुंचा कि जो शुरू से बताया जा रहा था कि 50% वोटिंग शेयर किसी पार्टी को मिलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि वो नहीं आएगा, क्योंकि 1984 में कांग्रेस को भी 49% ही वोटिंग शेयर आया था। दूसरी चीज़ जो नारा लगाया जा रहा था कि अब की बार 405, लेकिन यह इसमें भी मुझे संशय है 405 नहीं आएगा। तीसरी बात यह है कि विपक्ष को एक नकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा था कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन यह भी नहीं होगा। एक बात तो निश्चित है, यह होगा कि अब की बार हैट्रिक जरूर लगेगी। जो वर्तमान सरकार है वो फिर से आएगी, वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री फिर से पीएम बनेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सरकार ने जो कदम उठाए थे या जो एक विज़न है हमारा 2047, वह बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।